सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे इसराइल के साथ भारत की रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए रविवार को यानी कि आज 5 दिवसीय यात्रा पर यहूदी राष्ट्र के लिए रवाना हो गए हैं। सेना प्रमुख की यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा सचिव के द्वारा रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीके तलाशने के लिए इसराइल की यात्रा के हफ्तों बाद हो रही है। अगस्त में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी इसराइल का दौरा किया था। सेना ने एक ट्वीट कर कहा, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे इसराइल की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने कहा कि जनरल एमएम नरवणे दोनों देशों के बीच समग्र सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसराइल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत भी करेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट ललन सिंह। ललन जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पे। धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरीके से एमएम नरवणे फिलहाल अभी इसराइल दौरे पर पहुंचे हुए हैं, 5 दिवसीय उनका ये दौरा है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ बातचीत हो सकती है और ये दौरा उनके सुरक्षा को लेकर कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आपके सामने भारत की मुश्किलें जो है चीन और पाकिस्तान दोनों बढ़ा रहे हैं, चाहे वो बाहरी सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा। चीन अभी हाल में ही अपने विस्तारवाद के मुहिम से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को खुलकर माहौल भी बना रहा है। तो इस संभावनाओं को देखते हुए हमारे आर्मी चीफ जनरल साहब का जो इसराइल का विजिट है वो बहुत बहुत अहमियत रखता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इसराइल है वो सामरिक दृष्टि से बहुत बेहतर ढंग का साजो सामान और जरूरत के हिसाब वो स्मॉल आर्म्स का भी बहुत काबिलियत रखने वाले अपने इंडस्ट्री को हमारे को मुहैया करा सकता है। लंबे टाइम से ड्रोन और स्मॉल आर्म्स और कुछ हमारी मिसाइल्स जिसके अंदर कुछ ऐसे पूंजी और एसेसरी की जरूरत होती है उसके लिए हमारा समझौता अंतिम स्टेज में है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी चीन है वो इस तरह की स्थिति एनएलसी और अब वो एनओसी की तरफ भी पाकिस्तान को अपनी पूरी समर्थन में लगा हुआ है। आपने देखा कि कल ही मामयार के ही ये आने वाले आतंक और उग्रवाद संगठन के लोग हमारे चूड़ा चांदपुर में किस तरह का हरकत किया। कहने का मतलब अभी हमारे एमएम नरवणे साहब जो इसराइल में है उसका बहुत बेहतर परिणाम होगा और ड्रोन और हमारे कुछ ऐसे स्मॉल आर्म्स अभी चुप मुहैया होंगे जिससे हम एलएसी और एलएसी के ऊपर बेहतर दबाव बना सकेंगे। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। देखिए, जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं भारत में और नक्सलियों के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मणिपुर में जो घटना हुई वो हर कोई जानता है। सबसे बड़ी बात यह भी है सर कि अपने देश को सुरक्षित रखना हमारे जवानों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी, हमारे पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है। अब देखिए, एमएम नरवणे फिलहाल इसराइल पर पहुंचे हुए, दोनों देशों के बीच समन्वय बनेगा, बातचीत होगी, कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर वार्तालाप भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है सर कि सुरक्षा के लिहाज से ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक ये भी हो जाता है कि अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जवानों को एक इंपोर्टेंस देना, उनको महत्वता देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब एमएम नरवणे का 5 दिवसीय दौरा तो है, साथ ही साथ जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां वो तो बढ़ी रही हैं, क्या इसको लेकर जो दौरा हो रहा है भारत का, इसराइल के साथ बातचीत भी होगी, कई साइन भी किए जाएंगे एमओयू के, तो क्या इसको लेकर कई पाकिस्तान और चीन के अंदर कोई खलबली भी मची हुई है? एकदम, आप सोचिए कि चीन और पाकिस्तान में जब हमारे जनरल इंडियन आर्मी के दौरों पे है तो एक बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। अफगानिस्तान में शरिया कानून जो है तालिबान लागू कर रहा है। इधर देखिए कि चीन जो है लगातार अपने एक्शन में है, तो मैं इन हालातों को मद्देनजर मैं मानता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे जनरल साहब का यह विजिट बहुत शानदार और बहुत अहमियत वाला है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, बहुत शानदार, बहुत अहमियत वाला है और ये दौरा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि एमएम नरवणे 5 दिवसीय यात्रा पर इसराइल के लिए रवाना हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना समय देने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए।